के हम साथ मिलकर दिखाना चाहेंगे। हमारा निशान है साइकिल, हम साइकिल को चाहते हैं। विधायक की पर असलम को बैठाना चाहेंगे। देखो जी, आपकी बार तो साइकिल ही दौड़ेगी, साइकिल ही चलेगी। एक राशन मिलने से थोड़ी पेट बन जाएंगे बच्चों के, घर में बहुत खर्चे हैं। तो वोट हम अखिलेश को दे जी। देखो, असलम को इसलिए वोट देंगे कि वो सपा से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलम अंसारी और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के दोलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में। आज जनता के राय लेंगे, जनता का क्या मूड है, आपकी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुरज, आप ये बताइए आपकी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसे बैठाना चाहोगे? अखिलेश को ही क्यों बैठाना चाहोगे आप? हमारे लिए बेहतर है। एक और हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या मन है आपकी बार? क्या नाम है? नाम हसन खान। हसन खान जी, ये बताइए आपकी बार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 10 तारीख को आप वोट करने के लिए जाओगे, तो आपकी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पे किसे बैठाना चाहोगे? अब की बार मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव चाहेंगे हम। योगी ने हमारे देश का, उसका राज्य का नाश कर दिया है और नहीं कहीं विकास हुआ है, और सरकार जो फ्री राशन दे रही है, हमें सरकार के फ्री राशन की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार चाहिए जिससे हम खुद राशन ले सके। अच्छा, सरकार जो राशन दे रही है उसकी आपको जरूरत नहीं है, उसकी आपको जरूरत नहीं है राशन की, तो आपको रोजगार चाहिए जी। ठीक है, हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शमसुद्दीन नाम है। शमसुद्दीन जी, आप ये बताइए आपके बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसे बैठाना चाहोगे? भैया, हमारा निशान है साइकिल, हम साइकिल को चाहते हैं, साइकिल। अच्छा, विधानसभा दोलाना से जो साइकिल पे सपा के जो प्रत्याशी असलम चौधरी है, क्या आपके बार मुख्य विधायक की कुर्सी पे आप असलम को बैठाना चाहोगे? ठीक है, और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उन लोगों का मन है आपकी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पे किसे वो बैठाना चाहिए? क्या नाम है आपका? आप ये बताइए, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 10 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाओगे, तो आप विधानसभा धोलाना से विधायक की कुर्सी पर किसे बैठाना चाहोगे? अखिलेश साहब को विधायक की पर असलम को बैठाना चाहेंगे। अच्छा, असलम को क्यों बैठाना चाहोगे? आपकी धोलाना विधानसभा से धर्मेश भी है और भी प्रत्याशी है, तो ऐसा क्या है कि आप असलम को ही वोट देना चाहोगे? देखो जी, आपकी बार तो साइकिल ही दौड़ेगी, साइकिल ही चलेगी। अच्छा भाई साहब, कहना है कि आपकी बार साइकिल ही दौड़ेगी। हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं। राकेश जब ये बताइए, 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और आप 10 तारीख को वोट डालने के लिए जाओगे, आपकी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पे किसे बैठाना चाहोगे? पब्लिक के हाथ बात है, पब्लिक जिसे चाह रही है मन से वही होएगा। आप किसे बैठाना चाहोगे? आपकी वजह से कुछ राय होगी, जिसकी सही काम कर रहा हो वही बैठना चाहिए। नहीं, आपके क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी धर्मेश तोमर भी लड़ रहे हैं, असलम चौधरी भी लड़ रहे हैं और डीएसपी से वाशिद भी लड़ रहे हैं, आप आपके बाद किसे वोट देना चाहोगे? देखो, 5 जने लड़ रहे हैं, पता नहीं किसके नतीजे में राजनीति है, कौन किसकी जीत निकल सकती है। अब हमारा गांव तो सब साइकिल को कह रहा, क्या पता पड़ा आगे कोई हाथी को कह रहा हो। नहीं, आप ये बताइए बीजेपी की सरकार कैसी है? मौजूदा सरकार कैसी है? बस यही चल रही है बेचारी, जैसे चलनी चाहिए और क्या होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों सही है, कैसे ऐसा लग रहा है कि आपकी सही है बीजेपी की सरकार? गरीब आदमी को क्या चाहिए बताओ, गरीब आदमी यही है जो कुछ अपना सब मजबूरी करने वाले आदमी। अच्छा, बीजेपी की सरकार राशन दे रही है? ये तो सभी दे रही है राशन, को एक बिरादरी को थोड़ी दे रही है, सभी को राशन दे रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार ठीक है, बढ़िया है। हाँ, जैसे भी ठीक सही है। क्या नाम है? सद्दाम जी, बताइए, 2022 विधानसभा 22 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 10 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाओगे, आप विधायक की कुर्सी पे विधानसभा धोलाना से आप किसे बैठाना चाहोगे? असलम चौधरी को हम वोट देंगे। आप विधानसभा धोलाना से तो धर्मेश भी प्रत्याशी हैं, वाशिद भी प्रत्याशी हैं बीएसपी से, तो आप असलम को ही क्यों वोट देना चाहोगे? जी देखो, असलम को इसलिए वोट देंगे कि वो सपा से हैं और हम अखिलेश की वजह से उन्हें वोट देंगे। अच्छा, आप अखिलेश की वजह से? अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की मौजूदा सरकार है और मुख्य योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, उनकी राजनीति में थोड़ा सा लोगों में बांटने काम हुआ है, एक दूसरे को उनमें नफरत फैलाना, यानी कि उनकी सरकार में जो है हम हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, लेकिन उनको एक तरह से डिवाइड करा गया और ये डिवाइड करने से देश चलने वाला नहीं है।
और हम लोग जो है सब साथ रहने वाले इंसान हैं, तो हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे देश को भी एक जोड़ के रखे और हम सब लोगों को। ये बताइए बीजेपी की सरकार के बारे में आप क्या कहोगे, बीजेपी की सरकार सही है या गलत है? बताएं गलत किस लिए है? की बात चल रही है और कुछ नहीं होता, उनको उसे देंगे। अच्छा बीजेपी की सरकार सही नहीं है, कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर जाएंगे। अपने कैमरे मैन से कहूँगा कि उन्हें जरा दिखाएं। अब की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश को बैठा जाओगी? मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, वो सरकार सही है या गलत है? कहीं तलब सही भी है लेकिन कहीं तलब गलत भी है, क्योंकि अब 2 साल से लॉकडाउन में पब्लिक बेकार हो गई, बच्चों के स्कूल पढ़ाई सब बेकार हो गई। जहाँ तलब बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा की बात है सब खत्म हो गया, जहाँ बच्चे थोड़े आगे को पढ़ते हैं वहीं फिर लॉकडाउन लग जाता है, रोजगार खत्म है। एक राशन मिलने से थोड़ी पेट पल जाएंगे बच्चों के, घर में बहुत खर्चे हैं बच्चे की पढ़ाई का। नहीं, सरकार जान बूझ करके बच्चों की पढ़ाई पर नहीं कर रही है, सरकार की भी मजबूरी है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जैसे महामारी बीमारी हमारे पूरे देश में थी, सरकारी कहीं ना कहीं मजबूर रही होगी स्कूल कॉलेज बंद कराने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो कहीं तलक ठीक है लेकिन आपका तो वोट हम अखिलेश। अच्छा जो धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं बासित भी हैं और तुम्हारे असलम चौधरी हैं साइकिल से, और तो आपकी बार विधायक की सीट पर किसे बैठाना चाहोगे धौलाना विधानसभा से? असलम चौधरी को। अच्छा इनका कहना है कि असलम चौधरी को वोट देंगे और ये आपकी बार विधायक की सीट पर विधानसभा धौलाना से अफसर को बैठाएंगे। हापुड़ जनपद की धौलाना विधानसभा क्षेत्र के महदनगर गांव में और जनता की राय ली, जनता का की बार क्या मन है, और ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पर कौन मुख्यमंत्री बनकर बैठता है। हापुड़ से आलम अंसारी, समाचार टुडे, हापुड़।